सो हेलो गाइस, मेरा नाम है विवेक अग्रवाल और आप मुझे छोटे से जगह पर देख रहे हैं मेरे मोबाइल पर, मुझे पता है। पर आपको जो है वेबजी एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, वो भी अपने मोबाइल पर, तो हम सीधे मोबाइल पर ही हैं। तो वेबजी एप्लीकेशन को मोबाइल पे भरना उतना भी मुश्किल नहीं है, पर बहुत आदमियों को कैफ़े जाना ज़्यादा ज़रूरी समझ में आता है, पता नहीं क्यों। अरे बेटा, मम्मी ने तुमको एक मोबाइल ख़रीद के दिया है या फिर भाइयों और बहनों, आपको अपने मोबाइल ख़रीद के दिया है मम्मी पापा ने, तो प्लीज़ उन मोबाइल का इस्तेमाल करके अपने फॉर्मों को भरिए। क्या आपका फ़ोन 1 GB से लेकर आपके 4 GB तक या 6 GB तक आपका फ़ोन है, तो आप इनकी मदद से इस फॉर्म को भर सकते हैं। वीडियो शुरू करते ही और क्या क्या फैसे करके सिग्नेचर, फोटो, ये सब सब बात करेंगे वीडियो में, तो आप प्लीज़ वीडियो के साथ जुड़े रहिए जिनसे कि आपको ज्ञान मिलता रहेगा। तो आप प्लीज़ देखो। तो गाइस, मैं पहले बता देना चाहता हूँ, 1 GB रैम वाले फ़ोन के आदमी लोग के पास तो कोई और ब्राउज़र होगा नहीं, क्रोम ब्राउज़र छोड़कर, तो क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हो या फिर आप यूज़ कर सकते हो पफिन ब्राउज़र नाम का, जिनसे काफ़ी सुविधा होगा आपको उस वहाँ पर भरने में। पर यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको क्रोम ब्राउज़र यूज़ करना चाहिए। तो चलो हम लोग सीधा क्रोम ब्राउज़र पर चलते हैं। तो जैसे ही मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक किया, तो उसके बाद मैं यहाँ पर एक नई वेबसाइट, नई वेब पेज खोलूँगा। तो यहाँ पर मैंने एक नया वेब पेज खोल लिया और उसके बाद गाइज हम नीचे से स्क्रॉल करेंगे अपने स्क्रीन को और वहाँ पर एक ऑटो रोटेट का ऑप्शन होगा, जिनको हम लॉक से ऑटो रोटेट में ऑन कर देंगे। तो गाइज ऐसे ही मेरा मोबाइल का स्क्रीन घुर जाएगा। तो जैसे ही मेरा मोबाइल का स्क्रीन अब घुर चुका है, तो उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी सीधा हम लोग क्या करेंगे, गूगल के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमें टाइप करना है WBJE लिंक, ठीक है, WBJE फॉर्म लिंक। और अगर तुम्हें फॉर्म लिंक सीधा नहीं मिल रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे चेक कर सकते हो, एक लिंक दे दिया मैंने। तो वहाँ पर तुम्हें ये वाले क्लिक करना है, सीधा पहला वाला वेब पेज, और यहाँ पर आपको आस्ते से स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। और स्क्रॉल डाउन करके नहीं हो सके तो पेज को ऊपर नीचे कर लो, ये ऑप्शन यहाँ नहीं मिलता है। तो हम लोग सीधा ऐसे पफिन ब्राउज़र से कर सकते थे, पर छोड़ो, अभी हम लोग के पास, हम लोग को सारे कैंडिडेट्स को तो दिखाना होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमें रजिस्ट्रेशन फॉर वेबजी 2020, ये जो लाल बटन है, इस पर प्रेस कर देना है। उसके बाद हम प्रेस करते ही यहाँ पर एक नई ऐसी वेब पेज पे आ जाएंगे। तो हम लोग देखो ऐसी वेब पेज पे आ रहे हैं, पूरा मोबाइल पे हैं। मेरा जो मोबाइल है उसका नाम है वीवो Y17, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, कभी ख़रीदने का दिल करे तो ख़रीद ज़रूर लेना। यहाँ पर देखो हमारे पास कोई भी रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है, तो हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे प्रेस करना है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखो, दिस इज़ एन ट्यूटोरियल। और गाइज यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को दिया है कि जिनको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो, पढ़ने के लिए तो मैं इसे ज़रा बड़ा कर दे रहा हूँ, पर ये देखो क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो आगे साल से आप देख सकते हो फॉर्म का दाम बढ़ा दिया गया है, और जनरल कैंडिडेट के लिए 700 रुपये कर दिया है, OBE और OBC और SC और ST कैंडिडेट के लिए 500 रुपये। पता नहीं जीवन में ये कब बंद होगा। और एप्लीकेशन प्रोसीजर होगा ये, रजिस्टर्ड एप्लीकेशन, ऑनलाइन फॉर्म नंबर, ये सब आपको मिल जाएगा इनसे, ठीक है, रजिस्टर्ड फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और फिर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। देखो अब ये देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, फ़ोटो जो अपना है सिग्नेचर, उसको आपको GPG और ये वाला सब हो जाएगा। पर आपके पास ये है फ़ोटोग्राफ, आपको 10 KB से 200 KB तक देना है। अगर आपको पता नहीं कैसे करते हैं 200 KB तक फ़ोटो, तो आप एक आने वाली वीडियो को भी देख सकते हैं, या फिर आप अब मेरी एक पुरानी वीडियो पर जाके देख सकते हैं फ़ोटोग्राफ को, और सिग्नेचर भी उस पर। तो देखो कोई भी वीडियो पूरा देखो, पूरा तो ना समझोगे कुछ। आप लोग अगर आधे आधे में चले आओगे तो चीज़ें आपके लिए कन्फ्यूजिंग हो जाएगी। अब आप फॉर्म को भर सकते हो नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड से। तो मैक्सिमम तो डेबिट कार्ड से हम लोग भरेंगे। तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अबाउट पासवर्ड, तो पासवर्ड में गाइज यहाँ पर बता दिया है कि आपको पासवर्ड में पहले आपका नंबर देना होगा, आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स देने होंगे, वो भी कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में, और एक ठो क्या बोलता है सिंबल देना होगा। तो वो सब हो जाएगा, तो आप चिंता मत करो। और उसके बाद हम फिर से पेज को छोटा कर लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर ओके बटन को करके क्लिक टू प्रोसीड कर देते हैं। तो क्लिक टू प्रोसीड करने के बाद गाइज ये हो गया है हमारे पास ऐसा फॉर्म। तो यहाँ पर हम कैंडिडेट नेम लिखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, ज़रा सा
स्क्रीन से दूर जाकर हम इसे भरने की कोशिश करते हैं। तो अभी गाइज मैं कुछ देर के लिए कैमरा से ऑफ हो जाऊंगा। सो गाइज इसके बाद हम कैंडिडेट्स नेम पर जाएंगे और कैंडिडेट्स नेम पर हम अपने नाम को लिखेंगे। तो मेरा तो नाम है विवेक तो अग्रवाल। तो गाइज यहाँ पर देख रहे हैं आप काफ़ी मुश्किलात हो रही है इसे लिखने में, तो हम क्या करेंगे मोबाइल को घुरा देंगे। तो गाइज ऐसे करके इस फॉर्म को हमें लिखना है, तो हमें जल्दी जल्दी और आसानी से लिखाएगा। तो यहाँ पर गाइज आपको जब मांगेगा आपके पास आधार कार्ड है बस, और पासपोर्ट फोटो या स्टूडेंट आईडी या राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, या फिर आपके पास बैंक पासपोर्ट विथ फोटोग्राफ ऐसा कुछ नहीं है। अगर पास आपके पास आधार कार्ड है तो प्लीज़ अदर वैलिड डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ दो, दे दिया ऑप्शन, अच्छी बात है। मदर्स नेम दो, फादर्स का नेम दो, डेट ऑफ बर्थ दो, मंथ दो, ईयर दो, जेंडर दो, उसके बाद लोकेलिटी दो। लोकेलिटी मतलब किधर रहते हो, मतलब मैं सो अगर मैं इंटाली में रहता हूँ यहाँ पर मेरे को तालतला कहते हैं, तो ऐसा कुछ लिख दो, दे देता हूँ। तो गाइस यहाँ जैसे ही मैंने कोलकाता दिया ये स्टेट का ऑप्शन खुल जाता है, उसमें वेस्ट बंगाल आप भर दो। उसके बाद ये टाइम ले लेगा, उसके बाद लोकेलिटी का ऑप्शन आएगा, आप नहीं भी दे सकते हो। यहाँ पर मैंने तालतला दे दिया, तालतला दे दिया। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट पे आप कोई भी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मेरा डिस्ट्रिक्ट है कोलकाता। और गाइज इसके बाद ऑप्शन आ रहा है ईमेल आईडी, तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी को यहाँ दिया करो। तो जैसे कि आप मेरे को अगर ईमेल आईडी में कभी भी मैसेज करना चाहते हो तो मेरी अबाउट सेक्शन चैनल पर जा सकते हो, जहाँ पर आप मेरी ईमेल आईडी को देख सकते हो। तो यहाँ पर पिन कोड देना है गाइज, आपको मोबाइल नंबर देना है। तो ये आप देने के बाद आपको चूज़ पासवर्ड करना है। तो पासवर्ड करते ही आपको एक ऑप्शन आएगा कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। तो गाइज़ यहाँ पर हमेशा सेलेक्ट कीजिए कुछ भी जो आपको पसंद आए, और गाइज बहुत ही आसान सा उत्तर रखिएगा, क्योंकि ये आपको पूछा जाएगा जब भी आप अपने पासवर्ड को बदलने की कोशिश करेंगे। और पासवर्ड को प्लीज़ ऐसा दीजिएगा जैसे कि आपको ध्यान रहे। तो मैं आपको एक ऑप्शन दिखाता हूँ जैसे पासवर्ड आपको ध्यान रहेगा। तो गाइज़ आपका जो जीमेल आईडी है या फिर आपका जो मोबाइल नंबर है, उसके बाद आप उस आईडी के बाद एक सिंबल दीजिएगा, उसके बाद अपना नाम का जो पहला आपका फर्स्ट नेम होता है उसको आप कैपिटल में दीजिए, और अपने सर नेम को एक छोटा लेटर दे सकते हैं, या फिर आप उसका उल्टा कर सकते हैं, या कोई और चीज़ मम्मी पापा के नाम पर ऐसा कर सकते हैं, जिनसे कि चीज़ें आपको याद रहें और काफ़ी चीज़ें आपके सुविधा लायक रहें। तो अब ये वीडियो पॉज करके मैं इसे कर लेता हूँ क्लियर। आपके पास केस सेंसिटिव का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर आपको जो सबमिट बटन दिखेगा गाइज आपको उसको सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं सबमिट बटन को लिखा है वो सही है या नहीं, तो आपको अभी तो सब कुछ ब्लर दिखता होगा स्क्रीन पर, क्योंकि इसके बाद मैंने सब कुछ हाइड कर दिया है। देखो पर्सनल डिटेल्स तो काफ़ी रिस्की होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास है, तो उसके बाद हमारे पास है पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। तो गाइज आपका जो वेरीफिकेशन है वहाँ पर आपको देना है कि हाँ भाई मैंने सब कुछ वेरीफाई कर लिया है और सब कुछ मेरा सही है। तो यहाँ पर तो सब कुछ सही तुम दे देना, और उसके बाद देखना कि सब सही है कि नहीं, चेक प्लीज़ कर लेना, रिस्की व्यापार है। तो उसके बाद यहाँ पर हम आई अग्री को प्रेस कर देंगे, और उसके बाद फाइनल सबमिट को प्रेस कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन मांगेगा कि फाइनल सबमिट करें कि नहीं, तो येस पे प्रेस कर देना, और सिंपली ये आपका हो जाएगा। और ये अभी एक लोड का टाइम लेगा, जहाँ पर आप लोगों को एक मैसेज भी आएगा। उसके बाद जैसे ही आप करते हैं तो आपके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगी। तो बहुत कुछ हो चुका है, तो अब चलो कंप्लीट करते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। तो हम आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्रेस करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आ गया है मेरा नाम और मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, तो मैंने बर्थ डेट। तो गाइज यहाँ पर नोट कर लो मेरा बर्थ, और प्लीज़ मुझे करीब व्हाट्सएप या अरे करीब यूट्यूब पे मैसेज ही कर देना हैप्पी बर्थडे, है कि नहीं, खराब लगता है, कोई विश नहीं करता। तो डोमिसाइल पे अगर तुम कहूँ भी रहते हो तो वहाँ का दो, कलकत्ता के हो या वेस्ट बंगाल के हो तो काफ़ी फ़ायदा होगा तुम्हारा यहाँ पर, तो वेस्ट बंगाल को दे देना। और उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी होगी, देखो डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा तुमको, तो जो सच है वही दिखना। कैटेगरी तुम मेरा जनरल है, क्या मैं PVW हूँ, नो मैं भैया एकदम ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट क्या है मेरा, तो होम डिस्ट्रिक्ट तो मेरा है मेरा होम डिस्ट्रिक्ट भी कोलकाता है। इनकम कैटेगरी क्या है, तो भैया मेरे तो बिलो है 2.5 लाख। TFW से बिलोंग करते हो तो मैं अभी तो येस दे देता हूँ। रिलीजियन क्या है मेरा, तो मेरा भी रिलीजियन तो मेरा अभी हिंदू है। तो देखो TFW तुम्हें देना है कि नहीं, एक लास्ट वीडियो में बताया मैंने, प्लीज़ देखो उस वीडियो को, और प्लीज़
बिना देखे इधर उधर मत घूरा करो। तो एग्जाम सिटी तुम्हारा क्या है? वेस्ट बंगाल। अब तुम्हें चूज़ करना है तो मेरे घर के सामने वाला ही सिर्फ मैं चूज़ करूँगा और कोई चीज़ें और चूज़ नहीं करूँगा। इसको भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया। तो देखो सेंट्रल कोलकाता, तो मैं सेंट्रल कोलकाता में रहता हूँ तो मैं सेंट्रल कोलकाता पहला चूज़ करूँगा, फिर मैं वेस्ट बंगाल चूज़ करूँगा और फिर मैं एग्जाम सिटी जाने वाला हूँ। तो अब मैं अपने सेंट्रल कोलकाता के और भी पास जाऊँगा, तो अब मेरे पास कौन सा सबसे करीब है? तो गाइज इसके बाद उल्वेरिया भी मेरे करीब है, पर मैं उसको नहीं और भी अच्छी जगहों को चूज़ करूँगा। तो नॉर्थ कोलकाता सॉल्ट लेक उससे भी उसके वो भी करीब है मेरे, उसके बाद फिर से वेस्ट बंगाल। अब मुझे कौन सा जाना चाहिए? तो ये सब सब मैं क्योंकि एक सेंट्रल कोलकाता में रहता हूँ तो मेरे लिए तो आसान है खोजना। आप लोगों को अगर आपके घर के सामने वाला जगह का नाम नहीं पता तो प्लीज़ खोज लो, और ऐसे ही किसी भी जगह का नाम मत दे देना। गाइज उसके बाद मैं साउथ कोलकाता दे देता हूँ जो मेरे घर के बहुत करीब है, और उसके बाद एडुकेशनल डिटेल्स देना है। तो मैंने क्लास 12 पास कर लिया हूँ, मैं पास्ट हूँ। तो कोर्स स्ट्रीम क्या है? तो मैं भी इक्विवेलेंट एग्ज़ाम देने वाला हूँ। मैंने देखो क्लास 2 सेलेक्ट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन साइंस, ये सेलेक्ट कर लो। उसके बाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, तो कहाँ से तुम पढ़े हो ये तुम्हें दिखाना है, तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। तो अब मैं यहाँ पर मैं ISC मीडियम से पढ़ा हूँ, तो आप CBSE से पढ़ सकते हो, तो आप CBSE दे सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा ISC का ऑप्शन, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट जहाँ से मैं पढ़ा हूँ। और उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग तो ये आप दे सकते हो, रिजल्ट मोड आप दे सकते हो, ये सर्च परसेंटेज या CGPA, उसके बाद आपको सब कुछ भरना है। सो गाइज उसके बाद आप लोगों के पास ऑप्शन है रोल नंबर। तो गाइज आपका जो रोल नंबर है अपने स्कूल में, जब आप क्लास 12 की बोर्ड को दोगे या फिर आपने अगर अभी तक नहीं दिया है तो आप उसे फाका भी छोड़ सकते हो। इंस्टीट्यूट का नेम और एड्रेस दे दो और अपना पिन कोड दे दो। अगर आप एक ISC के स्टूडेंट हो तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ISC का भी रोल नंबर वही होगा जो आपका ICSE में था, तो आप उस रोल नंबर को डाल सकते हो। तो ऐसी ही चीज़ें होंगी जिन लोगों को यहाँ पर ये ऑप्शन इंटर सिक्योरिटी पिन में, आप लोगों को ये पिन देकर आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पर आ गया है रिव्यू का ऑप्शन, जहाँ पर ये फाइनल सबमिट रिव्यू मांग रहा है। तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, तो मैं अपने चीज़ों को पहले चेक करता हूँ। तो गाइस उसके बाद आप लोगों को फाइनली सबमिट बटन पर प्रेस कर देना है, और जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो दिखाता है कि आप दो चीज़ें भर चुके हैं। अब आपको अपलोड इमेज करना है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। तो आप लोगों के लिए मैंने अपने दो दो चीज़ें कर ली है। तो अब हमको करना है अपलोड इमेजेस, तो अब मैं अपलोड इमेजेस पे जाने वाला हूँ। तो गाइज अपलोड इमेजेस में काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है कि आपको सिग्नेचर और इमेज आपको 10 KB से 200 KB तक चाहिए। तो मेरे पास अभी तो इमेज 30 KB तक नहीं है, तो मुझे एक सिग्नेचर अपने 30 KB पे लाने होंगे। तो पहले तो मैं फोटोग्राफ पे प्रेस करूँगा और फाइल्स में जाऊँगा, और फाइल्स में जाते ही मैं अपने तो गाइज मैंने ये फ़ोटो आप लोगों को बताया था कैसे करके आप 115 में डाल सकते हो, तो मैंने अपनी फ़ोटो को डाल दिया। अब मैं सिग्नेचर डालने की बारी आई। सो गाइज इसके एक फ़ोटो मैंने क्लिक कर लिया, तो आप देख सकते हो उसमें काफ़ी एरर है इस फ़ोटो में। तो सिंपली मैं अपने यहाँ पर चले जाऊँगा और इस फ़ोटो को खोल कर देखूँगा। तो गाइज ये फ़ोटो मैंने देखा और ये है टोटली इसका साइज़ जो है वो है 2.39 MB। तो उसको पहले सिंपली मैं एडिट बटन पे जाकर इसको एक क्रॉप करके उसकी साइज़ पे ले आऊँगा। तो मैंने यहाँ पर उसके साइज़ पे ले आया और इसे ज़रा रोटेट कर कर, आपका अगर ये सब नहीं हो रहा है मोबाइल में आपके, तो आप पिकसार्ट नाम की एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके बाद हो गया मेरा, और इसके बाद अब देखते हैं इस इमेज साइज़ को कि ये कितना साइज़ का है। तो गाइज ये अभी साइज़ रिड्यूस होकर आ गया है 486, तो मुझे तो चाहिए 30 KB में। तो हम यहाँ पर रखते हैं GPG साइज़ रिड्यूसर, GPG साइज़ रिड्यूसर, देखो साइज़ रिड्यूसर ऐसा सर्च करोगे। उसके बाद पहली वाली लिंक पे क्लिक करना रिड्यूस इमेजेस में, और उसके बाद एक सेलेक्ट इमेज को क्लिक करके अपने सीधा फाइल पे जाना, और यहाँ पर आएगा तुम्हारा ऑप्शन।
तो रीसेंट पे जाओ और अपना जो पहला इमेज है उसे प्रेस करके अपलोड मारो और इधर सेलेक्ट करो। तो ये आ गया है 400 MB में, तो अभी तुम्हें इसे कर लेना है 90% से सीधा 30% और बैकग्राउंड रिसाइज करो। सो गाइज ये तुम्हारे आ गए है 23 KB पे, तो ये मेरे को एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ पर मैं डाउनलोड बटन को प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर अगेन का ऑप्शन आ गया है, हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। सो गाइज ये हमारे पास अभी डाउनलोडेड है, तो हम सिंपली अब अपने वेबसाइट पे फिर से चले जाएंगे। और हम अभी यहाँ पर एक वेबसाइट पे चले गए, हम इसके बाद बैक बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आएगा ऑप्शन सिग्नेचर अपलोड। अब सिग्नेचर पे जाकर हम फाइल्स पे जाएंगे और फाइल्स में जाकर हम जाएंगे डाउनलोड्स में। तो गाइज ये आ गया हमारे पास 24 KB का, तो हम इसे अपलोड कर दिया। और ये देखिए पिक्चर का जो क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि ये सिग्नेचर है। उसके बाद हम वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आएगा 311DX8। गाइज हो गया, अब अपलोड कर देते हैं। तो कंफर्म कर लेते हैं इमेज, तो यस मेरा ही इमेज है भाई, और किसका इमेज होगा तुम्हें क्या लगता है? तो ऑल सेलेक्टेड इमेजेस सक्सेसफुली, अब ओके प्रेस हो गया। देखा कितना आसानी से मोबाइल में फिल कर लिया। अब हो गया है यू आर रिक्वायर्ड टू पे 700। ST कैंडिडेट वाले कम पैसे दे रहे हो, क्या बात है? ऐ कम पैसे, वाई वाई, ये सब मजाक है यार, तुम लोग भी हो, हम भी इंसान हैं। अब हमारे पास इतने सर्टिफिकेट्स है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? अब जैसे जहाँ जन्मे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर ऑल्सो ह्यूमन, वी आर ऑल्सो ह्यूमन। सो गाइज इसके बाद आ गया है अभी पेमेंट का ऑप्शन, तो फ्री पेमेंट में चले जाते हैं। आप सोच रहे हो कि मैं भी एग्जामिनेशन को देने वाला हूँ, इतने सब कुछ कर लिया आपके नाम, मेरे ही नाम पर, तो क्या जाता आता है? अभी हम फॉर्म तो भर रहे हैं, तो हम पूरा प्रोसेस एंड में जाकर छोड़ देंगे। गाइज आप प्लीज़ देखते रहिए वीडियो को, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, इवन मेरे को लालच लग रहा है वापस से एग्ज़ाम देने का, क्या कहते हो, दे दूँ क्या? सो ओके पे प्रेस कर दिया और इसके बाद ये ऑप्शन आ गया है, देखो तुम्हारा सब कुछ आ गया, मेरा एप्लीकेशन नंबर उंबर। तो ऐसी जगह पर आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब मेरी एप्लीकेशन नंबर को कॉपी मत करना या फिर फेक मत करना, मैं काफ़ी अच्छा लड़का हूँ। तो प्रोसीड फॉर पेमेंट करते हैं और इसके बाद एक ऐसी वेबसाइट पर आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो गाइज आप देख सकते हो कि मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी। अब इसके बाद मेरे पास तो डेबिट कार्ड है, तो मेरे पास डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ गया, तो प्लीज़ अपना कार्ड नंबर दो, एक्सपायरेशन डेट दो, CVC दो, कार्ड नंबर दो, और प्लीज़ डेबिट कार्ड वाला पेमेंट करना, ATM पिन वाला मत सेलेक्ट करो। अभी कभी साइबर कैफे में भी जाओ तो मत देना प्लीज़, कोई लूट सकता है तुमको और क्या। उसके बाद अपने कार्ड नंबर दो, एक्सपायरेशन डेट दो, CVC दो, जो CVC मतलब होता है जो कार्ड के पीछे दो नंबर्स होते हैं, तीन नंबर्स होते हैं वो, से कार्ड होल्डर का नेम दो, मेक पेमेंट करो और उसके बाद एक OTP आएगा तुम्हारे फ़ोन पे, उस OTP को प्लीज़ वहाँ पर लिख देना और तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा। तो ये वीडियो तो कैसा लगा मुझे लिख के बताओ, इतना हेल्पफुल वीडियो शायद ही किसी को YouTube पे मिलेगा। सो ये वीडियो कैसा लगा मुझे लिख के बताओ और ऐसा शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पर तुमको मिलेगा ऐसा अच्छा ट्यूटोरियल। तो ऐसे ट्यूटोरियल्स के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर क्या कहते हो मुझे यही बताना, क्या क्या मैं इस एग्जामिनेशन को देने चाहूँ आप लोगों के साथ या नहीं, मुझे ज़रूर लिख के बताना। तो ऐसा एक बेकार सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है, पर कोई बात नहीं, मेरा काम है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, आप लोगों के साथ फ़न करना, क्योंकि आप लोग हमें अगर देखते हैं, अगर 5 मिनट भी देखते हैं, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों के मुँह में हंसी लाना मेरा काम है। और ज़िंदगी में कोई तुम्हें मजाक उड़ाए या कुछ उड़ाए, आज की सीख ले लो, ज़िंदगी में कोई तुम्हें कोई मजाक उड़ाए या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम छोटे हो गए, पर अगर उस चीज़ों पे भी दूसरा आदमी खुश होता है तो बहुत अच्छी बात है, तुमने दो आदमियों को हंसाया बिना किसी मजाक के, या फिर तुमने मजाक किया भी है तो वो हंसे, तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो ऐसे कुछ सीख और ऐसे कुछ अच्छी चीज़ों के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो सिंपली सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। और अच्छी अच्छी ट्यूटोरियल्स चाहिए हमें, तो जानो यार, सब्सक्राइब मारो। विवेक इज सो गुड।